दोस्तों नमस्कार, आपके अपने चैनल एसकेजी न्यूज में स्वागत है। जानकारी के साथ में मैं शिव कुमार साहू और आज हम देखेंगे रेखाखंड का समान भागों में विभाजन। रेखाखंड का समान भागों में विभाजन कैसे करेंगे बिना स्केल की सहायता से। जो हमारे प्रकार होती है उसका उपयोग करके हमको कैसे विभाजन करने आज हम देखेंगे। रेखाखंड का समान भागों में विभाजन जो है दो तरीकों से करते हैं। इन हम दो सवाल जो यहाँ पर दिया है, पहला दूसरा, इन दोनों तरीकों का हम उपयोग करके हम देखेंगे। इससे पहले यदि आप अंग्रेजी संबंधित वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे में डीडी की पाठशाला चैनल का लिंक मिल जाएगा। अब वहां से कक्षा 6 से लेकर के 9 तक की आप वीडियो जो कंटिन्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, आज हम देखते हैं गणित की जो क्लास है रेखाखंड का समान भागों में विभाजन। सबसे पहले हमारे पास सवाल है, 7.5 cm का रेखा खींचकर 3 भागों में विभाजन करना है, 3 समान भागों में विभाजन करना है। आपके प्रश्नावली में दिया है 7.5 cm का रेखा खींचकर 3 भागों में विभाजन। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हम समझते रहेंगे। हम जो है प्रश्न पहला में पहला तरीका जानेंगे और प्रश्न दूसरा में दूसरा जो तरीका उसको जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करें देखिए, सबसे पहले हमको दिए गए लंबाई की यहाँ पर हम क्या करेंगे 7.5 cm की हमें रेखाखंड खींचेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम खींच लेते हैं एक रेखाखंड, यहाँ पर हमने बना लिया। चलिए मान लीजिए इसका नाम जो है ए से लेकर के बी तक, इसका जो लंबाई है 7.5 है। अब करना क्या है आपको, चाहे इस बिंदु में है चाहे इस बिंदु में, किसी भी तरफ आपको एक न्यून कोण बनाना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक न्यून कोण बना दिया, यहाँ पर जो कोण है वह 90° से कम है। ठीक, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में हमको देखना है कि कितने भागों में हमको बांटना है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो आपको अपना जो प्रकार लेना है, इस प्रकार से आपके जो कंपास बॉक्स में दिया रहता है लेंगे। अब इसमें आप जितना भी बड़ा चाप लेंगे, ध्यान देंगे इससे बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, ध्यान देंगे कि बहुत ज्यादा बड़ा ना हो। अब क्या करेंगे, आप चाप लेंगे और चाप की जो यहां पर जो पहला बिंदु यहां रखेंगे और नीचे की ओर इस प्रकार से चाप काटेंगे समान, इस प्रकार से एक चाप कट जाएगा। जब एक चाप कटेगा पुनः उसी चाप को आपको हिलाना नहीं है, फिर जहां पर कटा उस पर रखेंगे और फिर से आपको एक चाप काटना है। 3 भागों में बोला है तो हम 3 जगह चाप काटेंगे। जितनी भाग में आपको विभाजित करना है उतनी जगह आपको चाप काटना है। 2 जगह हो गया, एक जगह हम क्या करेंगे और चाप काटेंगे। इस प्रकार से हमको 3 कटान बिंदु प्राप्त हो जाएगा। चलिए मान लो हमने इसका नाम रख दिया C1, C2 और C3। ये हो गया। अब करना क्या है, यहां पर जो दिया है C3 और B, इसको हमको मिला देना है। इस प्रकार से आप मिला देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस रेखा के समांतर आपको यहां पर क्या करना है, रेखा खींचना है। तो इसके जो यहां पर C3 और B है इसके समांतर आपको यहां पर रेखा बना लेना है। जैसे मान लो हमने यहां पर बना लिया, इस प्रकार से हमने यहां पर बना लिया। अब सेम ऐसी समांतर इसके यहां पर C1 पर भी आपको खींचना है। आप बना लेंगे इस प्रकार, माना कि ये तीनों जो है समांतर है। अब इसका मान लो हमने यहां पर दिया A1 A2। अब इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं यहां पर यह पहला भाग, यह दूसरा भाग, यह तीसरा भाग। तो इस प्रकार से आपको जो, तो इस प्रकार से 7.5 cm की जो रेखा है 3 भागों में विभाजित हो जाएगा। अब आइए साथियों हम देख लेते हैं जो सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, 10 cm का रेखाखंड खींचकर उसको 2:3 में विभाजन करना है। ठीक है, इसको हमको कैसे बनाना है देख लेते हैं। अब तरीका नंबर में क्या कठिन था, हम जो यहां पर खींचे थे उसके बाद उसके समांतर रेखा खींचना था। अब बिना समांतर रेखा खींचे आप कैसे समान भागों में विभाजन करेंगे, सेकंड तरीका उसको हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले तो आपको यहां पर 10 cm की
लंबाई की एक रेखा खंड खींच लेने वाली, इसका नाम है ए बी, और इसका जो कुल लंबाई है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपको दोनों बिंदुओं में क्या बना लेना है, न्यून कोण। मान लो हमने यहां पर न्यून कोण बना दिया, वैसा ही न्यून कोण आपको इधर बनाना है। जितने अंश का आप इधर न्यून कोण बनाएंगे, उतने ही अंश का यहां पर आपको इधर न्यून कोण बनाना है, अर्थात ये जो दोनों कोण है बराबर अंश का होना चाहिए, तभी आप जो है समान भागों में विभाजन कर पाएंगे। ठीक है, पहला काम क्या किया, एक 10 सेंटीमीटर का जितने भी लंबाई का आपको रेखा दिया रहेगा आपको, और रेखा खींचना है, उसके बाद दोनों बिंदुओं में समान अंश की न्यून कोण बनाना है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब करना क्या, हमको देखना है 2:3 में विभाजित करना है, तो 2:3 अर्थात कितना हो जाएगा, यहां पर 2 और 3 अर्थात 5 भागों में हमको विभाजित करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक पर आप चाप लेंगे, अपने कंपास बक्से से चाप लेंगे, और चाप लेने के बाद एक छोटा सा चाप ले लेंगे, उसके बाद इस बिंदु से आपको समान 5 भागों में विभाजन करना है। मान लो हमने यहां पर 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग और 5 भाग, इस प्रकार से मान लो हमने 5 भाग विभाजित कर लिया, सेम उतने ही भाग उसी चाप को आपको करना है, यहां पर इधर से आप 5 भागों में विभाजित करेंगे, 3, 4 और 5। ठीक है, जितनी बड़ा चाप आप यहां इधर लेंगे, उसी चाप को पुनः इधर से आपको काटना होगा। ठीक है, अब मान लो हमने इसका नाम रख दिया था A1, A2, A3, A4, A5, और मान लो इसका मैंने नाम रख दिया था यहां पर B1, B2, B3, B4, B5। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो यहां पर बिंदु दिया है B, उसको अंतिम चाप A5 इससे आपको मिला देना है। ठीक है, और यहां की जो अंतिम वाला है B5, उसको आपको A से मिला देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्राप्त हो जाएगा, यहां पर हम मेरे से यहां पर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आप जब सही प्रकार से प्रकार का उपयोग करेंगे और कॉपी में बनाएंगे तो एकदम एक्यूरेट सही बनेगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पे जो B4 है इसको A1 से मिलाना है, इस प्रकार से इसको मिलाएंगे, B3 को A2 से मिलाएंगे, B2 को A3 से मिलाएंगे, और यहां पर B1 को A4 से मिलाएंगे। इस प्रकार से यहां जो 1, 2, 3, 4, 5 भागों में विभाजित हो जाएगा। अब क्या बोला है, 2:3 अर्थात 1 और 2 अर्थात यहां पहला भाग हो जाएगा। ठीक है, 2:1 बोला है, तो यहां से लेकर यहां तक मान लो हमने यहां पर सी रख दिया, ए से लेकर के सी तक 2:1 हो गया। अब 3:1, 2, 3 ये 3 भाग हो गया। ठीक है, तो ए से लेकर के सी तक 2:1 और सी से लेकर के बी तक 3:1। इस प्रकार से आपका जो 10 सेंटीमीटर की रेखा है वह जो है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की अनुपात में आपको यहां पर विभाजित हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से आप जो है रेखा खंड के समान भागों में विभाजन कर सकते हैं। पहला तरीका बताया मैंने 7.5 सेंटीमीटर का रेखा खींच करके, और दूसरा तरीका यहां पर यह है कि आप दोनों तरफ क्या बनाएंगे, न्यून कोण बनाएंगे। इस प्रकार से आपकी जो प्रश्नावली में दिए सवाल इसको बना लेंगे। तो साथियों, ऐसा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और आपके अंग्रेजी से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है DD की पाठशाला, वहां से आप जाकर के अंग्रेजी की जो वीडियो है प्राप्त कर सकते हैं।